एसपीएस की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों का तीसरा थर्ड लेसन जो है एनिमल टिश्यू चल रहा था। एनिमल टिश्यू में मैंने ये टिश्यू को चार भागों में बांटा था, एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू। इसमें सेकंड नंबर का टिश्यू के बारे में हमने वर्णन कर रहा था, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हमने प्रॉपरली तीन भागों में बांटा था, फर्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। कितने भाग हो गए? तीन। कनेक्टिव टिश्यू के कितने भाग हैं? तीन। पहला क्या हुआ है? ये पहला हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड आता है, ब्लड के बारे में मैंने पढ़ा चुका था, पूरा डिटेल्स उसके बारे में वर्णन किया था। दूसरा है हम लोगों का स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दी आर प्रेजेंट्स आर दी ऑल कार्डिक ग्रुप कार्डिक फाइलम्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट्स टू स्केलेटल। स्केलेटल्स इज दी डेवलप ऑफ दी एम्ब्रियनिक इंडोडर्मिस सेल्स। इसका मतलब कि सभी कशेरुकी संघ के जंतुओं में यह पाए जाते हैं, जो भ्रूण के इंडोडर्मिस सेल से इनका फॉर्मेशन हुआ रहता है, निर्माण हुआ रहता है। इस ये जो है स्केलेटन टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला कार्टिलेज, हिंदी में इसको उपास्थ कहते हैं, पहला कार्टिलेज, दूसरा बोन, दूसरा अस्थि, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको उपास्थ, इसको अस्थि। फर्स्ट को मैंने क्या बोला? कार्टिलेज। सेकंड को क्या बोला? बोन। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज द स्पेशल टाइप ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट्स है, दीज आर मोर इलास्टिबल। इलास्टिबल मतलब होता है तनाव। दीज आर प्रेजेंस ऑफ मोर कैपेसिटी ऑफ दी इलास्टिसिटी कैपेसिटी एंड आर ए वेरी सॉफ्ट बट इट इज दी मोर स्ट्रांग। ये मुलायम तो है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। पर सेकेंड है, दी आर फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम इन आवर बॉडी, अर्थात बाह्य कंकाल का निर्माण। बाह्य कंकाल मतलब जैसे हम लोगों का ये कर्ण भाग, इसको जो है कर्ण पल्लव कर्ण भाग, ये नोज का एपिकल पोर्शन है, ये सब किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के बने होते हैं। ज़्यादातर पर ये जो है एक्सटर्नल स्केलेटन्स आर फॉर्मेशंस बाय दी कार्टिलेज। दीज आर गिवन टू डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट साइज इन आवर बॉडी स्ट्रक्चर। एंड थर्ड पॉइंट है, इट इज दी फॉर्मेशन, इट इज दी डेवलप ऑफ दी कार्डियोब्लास्ट सेल्स। ये कार्टिलेज किससे डेवलप होता है, किससे विकसित होता है? कार्डियोब्लास्ट सेल्स। किससे डेवलप होता है? कार्डियोब्लास्ट सेल्स। फोर्थ पॉइंट है, इट इज दी मिक्स ऑफ दी थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट बेसल वेसल्स, सेकेंड पेरिकार्डियम, थर्ड कार्डियोसाइट्स। दी कार्टिलेज आर मिक्स टू थ्री मेन पॉइंट, फर्स्ट बेसल मैटर, सेकेंड पेरिकार्डियम, थर्ड कार्डियोसाइट्स आर ए मिक्स फॉर्मेशन ऑफ दी कार्टिलेज। मतलब तीन इन पदार्थों से ही इन कार्टिलेज का निर्माण जो है होता है। चौथा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है हम लोग का,
इज द बेसल मैटर्स इन आवर द कार्टिलेज, अर्थात कार्टिलेज का आधारित भाग जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स इसी कॉन्डिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। एंड अदर टाइप ऑफ टिश्यू या ऑर्गन्स आर द बेस फॉर्मेशन या बेसल फाउंडेशन ऑफ द बेस आर द कॉन्डिन या ये कॉन्डिन प्रोटीन। थर्ड सिक्स हो जाएगा कि द कार्टिलेज स्ट्रक्चर इज द इनलाइन, दी आर ए बेसल मैटर्स, इट इज द पार्ट लैकुनिक्स, लैकुनिक्स मतलब ये इसके बेसल्स के अंदर था, इसके मैट्रिक्स के अंदर ऐसे मैट्रिक्स होंगे, इस मैट्रिक्स में सेमी लूनर टाइप आप जो है बहुत से ये फैट्स मात्रा इसके अंदर पाई जाती है और इसके अंदर ये बेसल फैट्स ये होते हैं जो कार्डियोब्लास्ट सेल से ये बने होते हैं, इनकी मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। अर्थात इसको क्या कहोगे कि दीज मैट्रिक्स आर प्रेजेंट टू दी इन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द कार्ड ऑफ दी वीकनेस, दीज कार्डियोसाइट सेल्स आर ए मोर क्वांटिटी फाउंड इन दी मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज मैटर्स, ये कार्टिलेज मैटर्स के बेस में मैट्रिक्स में बहुत अधिक अर्धचंद्रकार आकार की ये लेटनेस पाई जाती है जो लेकुनस से ही ये बने होते हैं, जिनकी मात्रा सबसे जो है अधिक। तो कितना कितना पॉइंट बोला मैंने, कार्टिलेज क्या है, क्या मैंने बोला दी स्केल्टन टिश्यू इज दी स्केल्टन कनेक्टिव टिश्यू इज दी डेवलप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल ऑफ द एंडोडर्मिस, दी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट कार्टिलेज सेकेंड बोन। कार्टिलेज कार्टिलेज इज द स्पेशल टर्म्स इन द फॉलोइंग, फर्स्ट टर्म दी आर ए एक्सटर्नल दी आर फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आई नोज पोर्शन ईयर पोर्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेज एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ द बोन कैविटी द इंटरनल पार्ट ऑफ द बोन्स। सेकेंड दीज आर मोर इलास्टिसिटी एंड मोर स्ट्रॉन्गेस्ट capacity involved in this cartilage matters. Third, these are developed by chondroblast cells. Fourth, these are formation of the three matrix materials. First, basal matter. Second, pericardium. Third, chondrocytes. Fifth, these basal portions is the matrix are formation by chondrin proteins. The quantum protein is the base formations and other type of cell and tissue. These matrices are present to in-like structure. These basal, the in-like structure called are the lignans. These are a basal formation of basal matters and the chondrocyte cells are a more quantity in the presence of the matters. ये हम लोग कार्टिलेज के बारे में, अब कार्टिलेज के बारे में जो है पढ़ने के बाद काइंड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हाइलाइन कार्टिलेज, दीज आर दीज मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंस ऑफ दी वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट हाइलाइन कार्टिलेज दी आर मोर इलास्ट फॉर्मेशन ऑफ दी मोर इलास्टिसिटी कैपेसिटी इज दी डेवलप इन दी कार्टिलेज। सेकेंड वाइड फाइब्रो कार्टिलेज, वाइड फाइब्रो कार्टिलेज इज दी प्रेजेंस ऑफ दी कार्टिलेज देयर आर मोर इलास्टिसिटी एंड
तन्यता को सहन करने, टेंशन को सहन करने की कैपेसिटी इसके पास जो होती है, ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी ये पाई जाती है। जितने हम लोगों के जॉइंट्स होते हैं उन संधियों पर, जॉइंट्स के ऊपर भी जो है ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा थर्ड होता है हम लोगों का ये इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज, लचीली तंतुवत, इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज जो है ये एपिग्लॉटिस या इसमें एपिग्लॉटिस एवं कर्ण पिन्ना, जिसको पिन्ना कहते हैं, PINNA पिन्ना कहते हैं, इनके ऊपर इनकी मात्रा सबसे जो है अधिक होती है। अगला कैल्सिफाइड कार्टिलेज, डीज आर ए मिक्स टू मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज ऑफ द कैल्शियम आयन, दोज आर फॉर्मेशन ऑफ द हार्डनेस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द क्यूबिक्स बोन्स एंड द सम प्रफासी कार्टिलेज आर ए प्रेजेंस। ये कितने तरह का हो गया, हाइलाइन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, ये फिर इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये चार प्रकार। इसके बाद हम लोग का है बोन, क्या है बोन, इस बोन के बारे में, बोन ऑल कार्डियक साइट, कार्डियक ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट्स आर द बोन्स, बोन इज द डेवलप ऑफ इंडोडर्मिस ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, अर्थात सभी कशेरुकी संकेत जंतुओं में बोन्स जो है पाई जाती है। बोन्स भ्रूण के यह इंडोडर्मिस से ये डेवलप होती है, बोन किसे डेवलप होती है, भ्रूण कोशिका के इंडोडर्मिस, तीन डर्मिस होते हैं, एक्टोडर्मिस जो त्वचा का, मेसोडर्मिस जो मांस का, इंडोडर्मिस जो अस्थियों का निर्माण करते हैं, तो इसी इंडोडर्मिस से ये जो है अस्थि या बोन्स का डेवलपमेंट होता है। ये बोन्स के अंदर निम्न कैरेक्टर होते हैं, फर्स्ट है, पहला क्या हमने बोला, दीज आर डेवलप टू इंडोडर्मिस ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, अर्थात ये भ्रूण के अंतः कोशिका से इनका विकास होता है। दूसरा होता है दीज सेल्स आर फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, इसको क्या बोलोगे, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स से ओ या साइट्स से ये डेवलप होता है, कौन सा सेल, ऑस्टियोसाइट्स सेल से ये डेवलप होता है, हाँ? तीसरा है डी मैट्रिक्स ओबीडिएंट बाई ओसिन प्रोटीन, इस प्रोटीन से ये बना होता है ओसिन ओ डब्ल्यू एस ई आई एन ई आई एन, ये ओसिन डी मैट्रिक्स आर फॉर्मेशन बाई ओसिन प्रोटीन्स, अर्थात इसके मैट्रिक्स जो है ओसिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसमें 62% इनऑर्गेनिक मैटर्स, कौन सा होता है इनऑर्गेनिक मैटर्स, एंड 38% ऑर्गेनिक मैटर्स मैटर्स आर मिक्स, इसका मतलब ओसिन प्रोटीन के अंदर 62% अकार्बनिक तत्व और 38% ऑर्गेनिक तरह के पदार्थ मिक्स होते हैं, जिसके मैट्रिक्स या इसके प्रोटीन से इसका निर्माण हुआ रहता है। थर्ड है, फोर्थ है, दी आर ए वेरी इलांगेटेड एंड दी आर सिचुएटेड ऑन दी एपिग्लॉटिस एंड कवर टू मोर मसल्स, अर्थात ये किसी जैसे एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एक ऑर्गन्स है
जो एपिडिडाइमिस के ऊपर जो है पाई जाती है, और इसी के ऊपर बहुत से मसल्स पेशियां जो है स्थानित होती है। पांचवा पॉइंट है इसमें आपका डीड आर फॉर्मेशन ऑफ डीड आर फॉर्मेशन ऑफ बोन कैविटीज, बोन कैविटी इसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा इज द कैविटी आर प्रेजेंट्स ऑफ द एज बोन्स, दीज आर फॉर्मेशन टू द आरबीसीएस सेल्स एंड ग्रोनियो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम्स एंड द मैच्योर टाइम्स, दोनों टाइम में ये बोन के अंदर पाए जाने वाले जो बोन मैरो है, तो क्या कहोगे बोन मैरो, इस बोन मैरो के अंदर आरबीसीएस सेल्स का प्रोडक्शन करता है, जो आरबीसीएस आर दी मेन पार्ट ऑफ दी ब्लड, अर्थात ये ब्लड के सबसे प्रमुख तरह का जो है भाग होता है, इन्हीं भागों से मिलकर के इनका निर्माण करने का कार्य। तो कितने पॉइंट मैंने बोला इसमें, बोन्स फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, बोन इज दी प्रेजेंस ऑफ आर टारगेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डी आर डेवलप टू इंडोडर्मिस ऑफ एम्ब्रियनिक सेल, अर्थात ये सभी टारगेट संघ के जंतुओं में पाया जाता है जो भ्रूण के इंडोडर्मिस कोशिका से इनका विकास होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, दीज बोन्स आर ए फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल्स, यह बोन ऑस्टियोसाइट सेल से निर्मित होता है। थर्ड मैंने बोला कि दी बोन्स मैट्रिक्स आर कंटेन या ओरिएंटेड बाई ओशियन प्रोटीन्स, दी ओशियन प्रोटीन्स फॉर्मेशन ऑफ दी 62% इनऑर्गेनिक मैटर्स एंड 38% ऑर्गेनिक मैटर्स आर मिक्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओशियन प्रोटीन्स। फोर्थ, बोन्स सच बोन्स फाउंड ऑफ दी बोन मैरो, दीज बोन मैरो फॉर्मेशन ऑफ दी आरबीसीएस सेल्स, दीज आरबीसीएस सेल्स इज दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ दी ब्लड। फिफ्थ, बोन कैविटी इज दी सिचुएटेड इन दी बोन पाइप्स। अब व्हाट इज दी डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, अर्थात कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर है। मैट्रिक्स आर
ऑर्बिटेंस बाय दी मैट्रिक्स आर ऑर्बिटेड बाय क्वार्टिलिज, अर्थात इसका जो मैट्रिक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो सीन का ही होता है क्वार्टिलिज। प्रोटीन्स दी मैट्रिक्स आर ऑर्बिटेड बाय प्रोटीन्स। फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड सम इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर It is only formation of internal structure in our body. It is found of division capacity in this cell. लिखोगे इट है वन डिवीजन कैपेसिटी फिर में लिखोगे बोन मैरो आर एब्सेंट इसमें लिखोगे बोन मैरो आर द बोन मैरो आर It is the formation of RBCS, CS cells. फिर से इसका रिविजन करना है डिफरेंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज दी आर मोर इलास्टिसेबल एंड मोर स्ट्रॉन्गर It is the very heart. These matrices are organized by a
कैंटीन प्रोटीन्स कॉटीन कॉटीन ड्रीन प्रोटीन्स डीन मैट्रिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ओसियन प्रोटीन्स। थर्ड इट इज द फॉर्मेशन आर एक्सटर्नल एंड सब इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर बट इट इज दी वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फोर्थ इट इज दी फाउंड ऑफ द डिवीजन कैपेसिटी इन द सेल्स इसमें इट हैव नॉट डिवीजन कैपेसिटी इन द सेल्स। बोन्स मैरो आर प्रेजेंट बोन मैरो आर प्रेजेंट एंड इट इज दी फॉर्मेशन ऑफ दी आरबीसीएस सेल्स। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये अंतर जो है आपको जानना होगा, दोनों में अंतर होता है। यह इसमें तन्यता का गुण लचीलापन सबसे अधिक होता है, ये बहुत हार्ड होता है कठोर होता है। इसके मैट्रिक्स जो है कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसके मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें जो है कुछ बाहरी तथा ज़्यादा बाहरी कुछ आंतरिक तरह के संरचनाओं का निर्माण करता है, जबकि ये केवल आंतरिक तरह के जो संरचनाओं का निर्माण आंतरिक संरचनाओं का निर्माण करता है। इसमें उसका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, होती है इसमें उसका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें बोन के अंदर बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा नहीं होता है कार्टिलेज में, जबकि बोन के अंदर अस्थि मज्जा जो है पाई जाती है जो आर बी सी एस सेल्स का जो है फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम लोग देखें, ये मैंने आज आपको ये कौन सा जो है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू को जो है ये पूरा किया। अब स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के बाद तीसरा हम लोगों का आएगा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आएगा? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, एक एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग तीन दिन पढ़े तीसरा। अब इसको जो है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो है अलग से आज क्या क्या पढ़े हम लोग, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन? कार्टिलेज और सेकेंड बोन। कार्टिलेज और बोन दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग जो पढ़े उसके बाद से हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।